हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डी कोड एग्जाम डिफेंस। मैं मिर्जा एहतशाम बेग, आपका मैथ्स एजुकेटर। आज आपके साथ CDS 2021 के रिलेटेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को लेकर आया हूँ। इट्स अ मिक्स्ड क्वेश्चन है। अब ये सेशन आपके डेली लगभग लगभग चलेंगे, तो कोशिश करिए कि इनको प्रॉपर वे में ज्वाइन करिए। देखिए, यहां पे जो क्वेश्चंस मैंने उठाए हैं नंबर सिस्टम से उठाए हैं। ये पता है आपको, नंबर सिस्टम, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस और रेशियो, ठीक है, इन जगह से क्वेश्चंस मैंने उठाए हैं। जब नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे तो एडवांस सेक्शन के और क्वेश्चन लिए जाएंगे। नंबर सिस्टम से उठाने का सिर्फ एक ही मकसद है कि इसमें आपको मेजॉरिटी ऑफ क्वेश्चन मिलते हैं CDS के एग्जाम में, खासकर मैथ्स में। तो मैथ्स एक स्कोरिंग टॉपिक है, अगर आप उसको ढंग से कर ले गए तो कोई दिक्कत नहीं होगी। कोशिश करिएगा इन क्वेश्चंस को करते वक्त आप स्पीड मैच करें। मैं पूरा प्रोसीजर बताऊंगा, इसलिए आप स्टेप बाय स्टेप मॉनिटर करिएगा। तो जल्दी से सभी लोग इस वीडियो को शेयर और लाइक कर दीजिए, तो हम अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। चलिए, पहला क्वेश्चन अगर आप देखें तो आपको दिख रहा है यहां पर मिक्सचर के ऊपर है। भाई, मिक्सचर के ऊपर जो क्वेश्चन होता है वो इंपॉर्टेंट होता है। क्या कह रहा है? इन अ मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर द वॉल्यूम ऑफ वॉल्यूम 30 लीटर है, यानी 30 लीटर का वॉल्यूम है, ठीक। इसमें मिल्क और वाटर का जो रेशियो है वो 7:3 है। द क्वांटिटी ऑफ वाटर टू बी एडेड टू द मिक्सचर टू मेक द रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर 1:2। वो भाई साहब कह रहे हैं कि कितनी क्वांटिटी वाटर की ऐड की जाए कि रेशियो 1:2 हो जाए। ओके, तो यहां पर आप एक बात समझिए, अगर हम इसे रेशियो के पैटर्न पे जाएं तो रेशियो क्या कहलाता है? कंपैरिजन बिटवीन सिमिलर क्वांटिटीज। ओके, कंपैरिजन बिटवीन सिमिलर क्वांटिटीज। तो आप अगर इसको देखें तो 30 लीटर को 7:3 में तोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? ये आपका मिल्क हो जाएगा 21 और वाटर हो जाएगा 9। ऐड किस में करना है? सिर्फ वाटर में। तो मिल्क और वाटर का रेशियो बन जाए 1:2। आप इसको सॉल्व करेंगे आंसर आ जाएगा, पर मैं इस मेथड से नहीं जाना चाह रहा हूं, क्योंकि हो सकता था ये पहले कुछ मिक्सचर निकलवाते उसके बाद उसे सॉल्व करते। तो यहां पर हम क्या करेंगे, हम एक काम कर सकते हैं कि रेशियो का कंपेरिजन कर सकते हैं इन दोनों रेशियो का, लेकिन तभी कर सकते हैं जब हम इनके उस क्वांटिटी को सिमिलर कर लें जो दोनों जगह पर अनचेंज्ड है, और वो है कौन? मिल्क। तो मिल्क अगर 7 यहां पर है तो यहां पर भी 7 बन जाए तो ज्यादा बेटर होगा। तो देखिए, 3 से 14 यानी 11 यूनिट का चेंज आया, ठीक। और आपको पता है ये टोटल 10 यूनिट किसके बराबर है? ये टोटल 10 यूनिट आपका 30 लीटर के बराबर है। तो 1 यूनिट 3 लीटर, तो 11 यूनिट आपका 33 लीटर के बराबर हो गया। तो ये बात समझने वाली है, और इंपॉर्टेंट सवाल इसलिए था, बहुत ही इजी सवाल था, लेकिन क्योंकि ये आपका CDS 2015 में पूछा गया है। अब यहां पर समझिए, जो सवाल आपको कराए जा रहे हैं उनका मेथड इंपॉर्टेंट है, उसे देखना आपको ज्यादा जरूरी है, ठीक है। चलिए मूव करते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जरा गौर से देखिए। कह रहा है इन एन ऑफिस, अब देखो मैं यहां पे कुछ चीजें हाईलाइट करूंगा। एक ऑफिस में 1/3, ठीक है, वुमेन है, हाफ ऑफ द वुमेन आर मैरिड। ये स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट है। तो यहां पे एंड 1/3 ऑफ द मैरिड वुमेन हैव चिल्ड्रन, इफ 3/4 ऑफ द मेन आर मैरिड एंड 1/3 ऑफ द मैरिड मेन हैव चिल्ड्रन। एक पजल हो गया, दिमाग की दही हो रही है। अब आप खुद सोचिए यहां पे आप कैसे करेंगे। देखिए, हमें मैच किसको कराना है? हमें सिर्फ मैच कराना है ये वुमेन को, क्योंकि लास्ट तक कौन गया है? वुमेन। तो देखो, वुमेन 1/3, फिर जो बचेंगी उसका कितना? 1/2, फिर उसका कितना? 1/3। तो कुल मिला के कितना हुआ? 9, 2, 18। यानी आप सपोज कर लेंगे नंबर ऑफ वुमेन को 180। हमारा जो दिक्कत करता है वो कौन करता है? डिनोमिनेटर पार्ट। हम उसी को सपोज कर लेते हैं, इजी हो जाएगा। अब एक्स मान के चलोगे तो परेशान हो जाओगे। तो हम सपोज करते हैं 180 टोटल पॉपुलेशन। इसमें से ऑलरेडी बोल चुका है 1/3 वुमेन है, तो 1/3 60 वुमेन। तो मेन कितने होंगे? 120। हाफ ऑफ द वुमेन आर मैरिड, अब इसकी हाफ जो है मैरिड है, तो जो हाफ होंगी वो अनमैरिड होंगी। ओके, एंड 1/3 ऑफ द मैरिड वुमेन हैव चिल्ड्रन, यानी 10 के पास बच्चे हैं, ठीक। तो 20 के पास नहीं है।
अब देखो ये कह रहा है, इफ थ्री फोर्थ ऑफ द मेन आर मैरिड, थ्री फोर्थ ऑफ द मेन, ये मेन 120 हैं, इसके थ्री फोर्थ यानी थ्री फोर्थ क्या है मैरिड, तो थ्री फोर्थ हुए 90, तो 30 क्या है अनमैरिड, ओके, एंड वन थर्ड ऑफ द मैरिड मेन हैव चिल्ड्रन, वन थर्ड ऑफ द मैरिड मेन, तो एक तिहाई यानी चिल्ड्रन हुए, ठीक, तो 60 के नहीं है। पूछा देन व्हाट इज द रेशियो ऑफ मैरिड वुमेन एंड मैरिड मेन। अब देखो यहां पे मैरिड वुमेन 30, मैरिड मेन 90, रेशियो क्या हो गया 1:3। इट वॉज अ पीस ऑफ केक क्वेश्चन, कंफ्यूज करने के लिए ये भी दिया हुआ था, पर ध्यान रखिए ये सवाल आपका बहुत अच्छा था क्योंकि इसमें आप उलझ जाते हैं। आप क्या किस कैसे लेके चलते हैं, एक्स लेके, वहीं पर हम जो समझा रहे हैं आपको फ्रैक्शन वैल्यू से बचाने के लिए होल नंबर में क्या सपोज करना है, भाई जब रेशियो निकालना है तो एक्स लेके चलोगे तब भी घूम के वही आना है, चेक कर लेना। तो भाई अगर पसंद आ रहा हो, मजा आ रहा हो, समझ में आ रहा हो तो एक लाइक और शेयर जरूर बनता है, ज्यादा से ज्यादा इसको लाइक और ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए। और जिसने सब्सक्राइब नहीं किया है डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस यूट्यूब चैनल, क्योंकि आपको यहां पे मिलेगा प्योर कंटेंट विथ कॉन्सेप्ट। चलिए अगला सवाल देख सकते हैं आप। अब सिमिलरली ये सवाल है, अब इसको कैसे करेंगे, ये 2015 का है, इस तरीके के सवाल बहुत आते हैं। कह रहा है अ टिन ऑफ ऑयल वॉज 4x5 फुल, इसका मतलब है ये 5 यूनिट था और 4 भरा हुआ है, ठीक। When 6 bottle of oil were taken out, 6 निकाली गई और 4 add की गई, it was 3x4 full, 3x4 full, यानी अब ये 4 में से 3, तो भाई एक बात समझो, ये quantity 5 है, ठीक, और अब कितनी हो गई 4, भाई capacity तो same ही रहेगी ना एक bottle की, वो बात अलग है कि निकलने के बाद कितना difference आ रहा है वो चीज हम देखेंगे। तो हम क्या करते हैं, देखो original क्या था, ओरिजिनली 4 था और कैपेसिटी 5 बताई जा रही थी, नाउ आफ्टर चेंजिंग मतलब 6 बॉटल निकाला और 4 डाला तो डिफरेंस क्या हो गया 2 का डिफरेंस हो गया, तो अब क्या है न्यू, न्यू आपका 3 फुल है और कैपेसिटी 4। जरा गौर से देखो कैपेसिटी चेंज कैसे हो सकती है, कैपेसिटी तो सिमिलर होनी चाहिए ना, तो हम इन दोनों रेशियो को सिमिलर करेंगे, कैसे, इसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां पर भी मल्टीप्लाई होगा और इसको 4 से करेंगे, क्यों 4 और 5 से कर रहे हैं, क्योंकि हमारा एलसीएम 5 और 4 का 20 होता है, तो इसका मतलब है पहले 20 में से 16 फिल था, अब 20 में से 15 फिल है, तो इसका मतलब है ये दो यूनिट, दो बॉटल का जो आपका एक्सेस खर्चा हुआ है वो एक यूनिट का हमारा खर्चा हुआ है। अब हमें दोनों को पता है कि कैपेसिटी जो है वो 20 यूनिट है और पूछ रहा है ऑयल ऑफ हाउ मेनी बॉटल्स कैन द टिन कंटेन, कितनी बॉटल भर सकते हैं, तो हमें चाहिए सिर्फ 20 यूनिट के लिए कितनी बॉटल हो जाएंगी 40 बॉटलें, तो सीधा सीधा आंसर आपका 40 बॉटल्स आ रहा है। बहुत ही अच्छा सवाल है, इसी तरीके के सवालों को करते रहिए। इस सवाल को जरा गौर से देखिए, यह आपका 2012 में पूछा गया सवाल है, मेरे ख्याल से काफी आसान सवाल है, आपको समझ में आ जाएगा। कह रहा द पेयर ऑफ नंबर्स विच आर रिलेटिवली प्राइम टू ईच अदर, कौन से हैं प्राइम टू ईच अदर एक दूसरे के। अब देखो 68 और 85 को देखो, ये एक दूसरे के प्राइम ही नहीं है, ये 4 और 17 और ये 5 और 17, 17 कॉमन मिल रहा है, दिस इज नॉट अ प्राइम नंबर। अगर यहां पे देखें तो 13 पंजे 65 और 13 सत्ते 91, कोई सवाल ही नहीं होता। अगर यहां पे देखें 17 6 और 17 9, और भी हो सकता है क्योंकि ये भी टूटेगा 3 और 2 में और 3 और 3 में, तो देखा जाए तो 51 इसका क्या है कॉमन फैक्टर, सिर्फ एक ही नंबर बचा 92 और 85, इनका कोई कॉमन नहीं है, तो आपका जो उत्तर होगा वो क्या निकल कर आएगा 92 और 85, तो आपका सी वाला ऑप्शन क्या है करेक्ट है। अगला सवाल, इस सवाल को देखिए, कह रहा है डिविजिबिलिटी के ऊपर सवाल है, ये नंबर सिस्टम के सवाल चल रहे हैं आपके, नंबर सिस्टम से ऐसे ही सवाल पूछे जाते हैं, बहुत ही आसान होते हैं और कॉन्सेप्चुअल होते हैं। कह रहा है नंबर, इतना बड़ा नंबर
इज डिवाइडेड बाय व्हाट, 11, 14, सॉरी 11, 4, 8 और नन ऑफ दीज। देखो नन ऑफ दीज कंफ्यूज करने के लिए आपको सिर्फ इतना करना है कि अगर आप 4 से डिविजिबिलिटी की कंडीशन देख रहे हैं तो लास्ट की दो डिजिट को देख लीजिए, अगर आप 8 से डिविजिबिलिटी कंडीशन देख रहे हैं तो लास्ट की तीन डिजिट को देख लीजिए, दोनों ही नहीं सेटिस्फाई हो रहे हैं, है ना। तो इसका मतलब है ना ये 4 से डिविजिबल है ना ये 8 से डिविजिबल है। अब 11 से डिविजिबिलिटी की कंडीशन का रूल कहता है कि इवन नंबर का मतलब इवन प्लेस वैल्यू का सम और ऑड प्लेस वैल्यू का सम का डिफरेंस या तो जीरो आए या 11 का मल्टीपल हो। आप अगर ऐड करेंगे 5, 1, 9, 4, 8, 2, 7, ठीक है, और 8, 2, 7, 5, 1, 9 और 4, इन सब को ऐड करेंगे तो ये 36 और 36 आएगा। जब आप ऐड करेंगे तो 36 माइनस 36 कितना हो गया, 0। 0 का मतलब है ये 11 का मल्टीपल है। थोड़ा सा कैलकुलेटिव था, आप दिमाग में बैठा कर रखिए। जब कभी भी इस क्वेश्चन को करें तो ध्यान रखिए कि पहले ये छोटे जो कॉन्सेप्ट वाले हैं उनको पकड़ लें, क्योंकि 11 क्या था, लेंथी था। आप पहले इसको कर लेते, प्रेडिक्ट कर सकते हैं, बट कोशिश करिएगा कि पहले जो छोटा कॉन्सेप्ट है उसको आप कवर कर लीजिए, ठीक है, क्लियर। चलो ये क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क के लिए दे रहा हूं, आप सभी लोग कमेंट में इसका आंसर मुझे बताएंगे। आई वॉन्ट एवरी वन टू पोस्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है और नेक्स्ट क्लास में मैं इसका सोल्यूशन जरूर करा दूंगा, सो डोंट वरी अबाउट इट। इसका आंसर सभी लोग कमेंट में बताएंगे, ठीक है। चलिए इस सवाल को देखते हैं, कह रहा है अ मैन लूजेस 20% ऑफ हिज मनी आफ्टर स्पेंडिंग 25% ऑफ द रिमेनिंग, ही हैज लेफ्ट 480 रुपीज, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ मनी ही ओरिजिनली हैड। इसका मतलब है देखो, अ मैन लूजेस 20% ऑफ हिज मनी, सपोज करो 100 था उसके पास, 20 खो दिया, बचा कितना, 80। अब 25% रिमेनिंग का स्पेंड किया तो इसका मतलब एक चौथाई खर्चा किया तो कितना, 20, तो बचा कितना, 60, लेफ्ट 60, और ये 60 आपका 480 रुपए के बराबर होगा, तो एक यूनिट आपका 8 रुपए के बराबर। व्हाट इज द अमाउंट ऑफ मनी ही ओरिजिनली हैड, 100 रुपए था, 800, यानी 100 यूनिट था, 800 रुपए, ओके। तो इस तरीके का सवाल है, बहुत ही आसान परसेंटेज बेस्ड सवाल, ठीक है, सिर्फ मेथड समझिए, एक्स मान के चलने की जरूरत नहीं है, जमाना गया। अगला सवाल, अब ये सवाल आपको कंफ्यूज करने वाला है, देखो मेंसुरेशन का भी है और परसेंटेज का भी है, कैसे अप्रोच करोगे, तो बहुत ध्यान से देखना। द रेडियस ऑफ द बेस ऑफ राइट सर्कुलर कोन इज इंक्रीज्ड बाय 15%, कीपिंग द हाइट फिक्स्ड द वॉल्यूम ऑफ द कोन विल बी इंक्रीज्ड बाय। तो वॉल्यूम क्या होता है कोन का, 1/3 πr² h। अब देखो कॉन्स्टेंट कौन है, 1/3 π, ये दोनों कॉन्स्टेंट है और h भी कॉन्स्टेंट है, इसका मतलब चेंज किसमें आ रहा है, सिर्फ चेंज आ रहा है आपके R में, चेंज आ रहा है सिर्फ R में, ओके। रेडियस यानी हम देख सकते हैं कि पहले रेडियस 100 थी, सपोज कर लो 100%, अब है 115%, यहां पे पहले रेडियस 20 थी अब 23 है, तो पहले वॉल्यूम जो था वो डिपेंड किसके ऊपर कर रहा है, वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेडियस का स्क्वायर, तो वॉल्यूम पहले जो था वो 400 था, अब है 529, कितना डिफरेंस आया, 129, किस पर से आया, 400 से आया, पर मल्टीप्लाई करो, 4 × 3 = 12, 4 × 2 = 8, 1/4, ओके, 32.25, दैट्स योर करेक्ट आंसर। तो ये बहुत ही बेहतरीन और आसान सवाल, आप क्या करेंगे, आप डिफरेंस लेंगे भाई, ओरिजिनल वॉल्यूम में से घटाओ या न्यू वॉल्यूम में से घटाओ, इस तरीके से आप डिफरेंस लोगे, ठीक है, वो नहीं करना है, सवाल आसान है, उसको सोच के समझ के करना है। शॉर्ट वीडियोस इसी तरीके के आपके कॉन्सेप्ट बेस्ड आते रहेंगे, शेयर लाइक करते रहिए। इस सवाल को देखिए, अब यहां पे मैं हिंट दूंगा आपको कैसे करना है। देखो कह रहा है द प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 25 रुपए, तो पहले जो प्राइस था वो 25 रुपए था, आफ्टर टू सक्सेसिव कट्स बाय द सेम परसेंटेज, टू सक्सेसिव कट्स का मतलब है दो सक्सेसिव परसेंटेज डिक्रीज, तो हो गया 20.25, यानी इसका मतलब है आप 25 से
20.25 पहुंच गए। तो हम देखते हैं कि पॉइंट हटाने पे, ठीक है, देखो किस तरीके से होगा। 25, 100 और 25, 8, 200 और 1। यानी इसका मतलब है, अब जरा गौर से देखो, आपके राउंड कितनी बार हुआ है भाई, खुद सोचो। या आप इसी तरीके से तो लिखोगे 100 माइनस x बाय 100 और 100 माइनस x बाय 100, भाई दो बार हुआ है। तो हम इसको सीधे सीधे ये हटा के स्क्वायर कर दें, यानी इसका मतलब है 100 में से जो कम हुआ और उसका स्क्वायर कर दें तो पता चल जाएगा। तो सिमिलरली जब हमारे पास इतना रेशियो मिल गया तो हम उसका क्या करेंगे, स्क्वायर रूट करेंगे। क्यों स्क्वायर रूट करेंगे, क्योंकि हमने सक्सेसिव परसेंटेज कितनी बार किया है, 2 टाइम्स किया है। अगर 3 टाइम्स होता तो हम इसका क्या करते, क्यूब रूट करते। इसका मतलब ओरिजिनली आपके पास जब स्क्वायर रूट कर दोगे तो ओरिजिनली आपके पास जितना था 10 यूनिट, अब कितना है 9 यूनिट, डिफरेंस कितना आया 1 यूनिट, है ना। तो आप 1 यूनिट यानी रेट क्या होना चाहिए, 1 कितना 10 से। तो आप क्लियरली देख सकते हो कि 10% का जो था आपका वो सेम सक्सेसिव डिक्रीज था, यानी एक्स की वैल्यू जो आपकी आएगी वो 10% आएगी, यानी आपने 10% सक्सेसिव डिस्काउंट दिया है। खुद ही देख सकते हैं, 25 से आप 10% करें 2.5 जाएगा, यानी 22.5 रह जाएगा। फिर 10% करें आप 22.25 जाएगा, तो फिर वही रहेगा। तो इसका मतलब हमारा कितना बचेगा, 20.25। आप क्रॉस चेक भी कर सकते हैं, लेकिन जो मैं मेथड बता रहा हूं उसको ध्यान से करिए, हिट एंड ट्रायल मारिए, इजी से हो जाएगा। ऑलराइट, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये सवाल देखिए, ये अच्छा सवाल है, रेशियो का सवाल है। देखिए जितने भी क्वेश्चन है आपके सब आसान है, बस उसका मेथड आपको जानना जरूरी है। कह रहा है एक्स वाई जेड टेकन अ डिनर टुगेदर, डिनर साथ में गए, द कॉस्ट ऑफ द मील ऑफ जेड वॉज 20% मोर देन वाई। इसका मतलब है जेड का जो कॉस्ट है वो 20%, यानी 120 हो जाएगा, तो वाई 5 हो जाएगा, मतलब 100 हो जाएगा, दैट ऑफ वाई। एंड द कॉस्ट ऑफ मील ऑफ एक्स वॉज 5/6 एज मच एज द कॉस्ट ऑफ मील ऑफ जेड। हमारा जो जेड का रेशियो वो सेम है, यानी 5, 5, 6, ठीक है। अब आपको पता है कि वाई ने 100 रुपए पेड किए और वाई ने इधर रेशियो में कितने पेड किए, 5, 5 यूनिट बराबर 100, 1 यूनिट बराबर 20। तो आपसे पूछ कह रहा है, देन वॉट वॉज द टोटल अमाउंट दैट ऑल द 3 ऑफ देम हैड पेड। 5 by 10, 16, 16 × 32, 320 रुपए। 320, एक भी ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है, तो इसका मतलब जो आपका आंसर होगा वो कौन सा आएगा, डी वाला ऑप्शन आएगा, ठीक है। तो गाइस आज के सेशन में इतने ही सवाल, कॉन्सेप्ट क्लियर करते रहिए, नेक्स्ट क्लास में जब मिलेंगे तो कुछ और धमाकेदार सवालों को देखेंगे। फिलहाल के लिए यहीं तक रखते हैं। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने के लिए आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक देख सकते हैं और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलें। ऑलराइट, सो कीप वॉचिंग डी कोड एग्जाम, टिल देन थैंक यू, जय हिंद।